आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ नए नए वादे करते नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आज फिर एक बार बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर समाजवादी पेंशन योजना तिगुनी कर दी जाएगी, यानी अब 6,000 रुपए प्रति साल की जगह 18,000 रुपए प्रति साल दिए जाएंगे। वहीं हमारे संवाददाता के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिजली को लेकर हमने वादा किया है वो जरूर पूरा किया जाएगा। बिजली कारखानों से आएगी। समाजवादी सरकार में जो बिजली का कारखाने बन रहे थे, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली है और बिजली तो आ ही रही है ना। जब आप 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हो, हमें तो बिल नहीं देना है गरीबों को। बिजली आ रही है, उसी का बिल नहीं आएगा गरीबों को। मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। समाजवादी विचारधाराओं का विस्तार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी वो इस बात को आगे ले जाएंगी। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी तय कर लेगी और बिना आजमगढ़ की जनता के पूछे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां तय कर देगी वहां चुनाव लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते लोक दल बदलने के दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के सदस्य रहे संत रविदास महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम हृदय ने भी भाजपा का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में भी राम हृदय की मौजूदगी सुर्खियों में रही। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम के सदस्य रहे राम हृदय जी और संत रविदास महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने हाल में ही भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। जानते हैं क्या ऐसी वजह रही, क्या नीति रही इसका समाजवादी पार्टी में आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जातिवादी पार्टी है। एक जात विशेष का वहाँ काम हो रहा है। 13.5-14% चमार समाज उत्तर प्रदेश में निवास करता है। एक भी रविदास चमार समाज को मंत्री नहीं बनाया और हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण और संविधान वो खत्म करने में लगी हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को छोड़कर के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए कि डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकरवाद की विचारधारा यहाँ चलेगी, आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और दलित समाज भी बचेगा। इसलिए सबसे पहले समाज को बचाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। भाजपा कह रही है कि चुनाव का समय है, इसी राम हृदय पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चलेंगे चुनाव को देखते हुए। देखिए, बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान बनाया वो 5 साल में चुनाव होता है। अगर चुनाव न हो, वोट का अधिकार बाबा साहब नहीं देते तो बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास नहीं जाता। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और समाजवादी पार्टी संवैधानिक मूल्यों पे विश्वास करती है, संविधान पे विश्वास करती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आरक्षण और संविधान को बचाया जाएगा और समाज को बचाया जाएगा। सीटों को लेकर भी बात हुई है, कोई पद को लेकर भी बात नहीं? कोई सीट लेके बात नहीं, कोई पद को लेकर के बात हुई। समाज हित में फैसला लिया गया है कि किस तरह से हमारा समाज बचे, किस तरह से आरक्षण बचे, संविधान बचे और समाज को बचाने के लिए फैसला लिया गया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम के पूर्व सदस्य रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। इनका कहना है राम जी का कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों का और पिछड़े वर्ग का शोषण कर रही है, इसलिए उस शोषण को देखते हुए हम सारी पार्टी में आए, क्योंकि यहीं पर हमारे समाज का कुछ उद्धार हो सकेगा, क्योंकि इनकी नीतियाँ हैं हमेशा से ही ऐसी रही हैं जिससे पिछड़े वर्ग हमेशा विकास की मुख्यधारा में आ सके। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन और ब्रिज का चौमुखी विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी और उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि इनके प्रतिद्वंदी के रूप में 4 बार मथुरा वृंदावन से विधायक रहे प्रदीप माथुर से टक्कर रहेगी। बता दें कि प्रदीप मथुरा की एक लोकप्रिय उम्मीदवार है। हमने अपने ब्रजभूमि के चौमुखी विकास के लिए
अपने जन्मभूमि के सुंदरीकरण के लिए बहुत बहुत ही कार्य किए और हमारे द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की गलियां, हमारे यमुना शुद्धिकरण पर हमने काम किया। 460 करोड़ के परियोजना हम लोग लेकर आए 2019 में, और आज जो हमारे 35 नाले थे उनमें 31 नाले हमारे टैप हो गए हैं 31 अक्टूबर 2021 तक। ये बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। जिन लोगों ने यमुना को दूषित किया, इस देश की संस्कृति को दूषित किया, हमारी नदियों को दूषित किया, वो अब कटघरे में हैं। आज वो भाग रहे हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। तो कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया, सपा बसपा ने कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जवाहर बाग इसका उदाहरण है। जवाहर बाग 200 एकड़ का जवाहर बाग है जिस पर सपा बसपा ने मिलकर कब्जा किया। आज हमने उसको मुक्त कराया है और आज वो हमने मथुरा के लोगों के लिए, नौजवानों को, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित किया। फर्क साफ है। मथुरा के भाजपा से माड विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर भाजपा नेता एसके शर्मा ने मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बसपा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे जनपद की राजनीति में एक और तूफान उठता नजर आ रहा है। इसे लेकर मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव इस सीट पर अब त्रिकोणीय होगा। बता दें कि एसके शर्मा 20 जनवरी को अपना नामांकन करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं को भी अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को लेकर कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएमएस के मुखिया मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान से अयोध्या के संतों में नाराजगी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम युवा चुनाव को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। वह तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस दास व विवादित बयान पर दुख व्यक्त करते हुए मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लगाया कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। मौलाना हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते थे। बेहद दुखद है कि मौलाना तौकीर रजा, जो अभी कुछ ही दिन पहले भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे, और उनको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से वो है एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है। देश विरोधियों को ही जो है वो जोड़ रही है। ये दुखद है, ये कांग्रेस के लिए भी महंगा पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जो दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, ऐसे एक तरफ तो बताती है कि हम हिमायती हैं और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अभी कुछ दिन ही पहले, अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ होगा, और कुछ दिन पहले रजा साहब ने इतना हिंदुत्व के प्रति और हिंदू विचारधारा और सनातन के प्रति इतना अपवाद विवादित बयान दिया था, और आज उसको उसने अपनी सदस्यता शामिल कर ली और उसको उत्तर प्रदेश में सरकार में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार है, सीट भी देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ गया है, और जिस तरह से हिंदुत्व के साथ और हिंदुत्व विचारधारा के साथ उसने दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई आज का काम नहीं है। कांग्रेस सदैव हिंदुत्व विचारधारा से सदैव विमुख रही है, और हिंदुत्व जो भी हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करे, हिंदुत्व के हिंदुओं के साथ दुराभाव करे, अत्याचार करे, उसको कांग्रेस सदैव अपने शरण में लेने का काम किया है। कोई आज का नया काम नहीं है, पूर्व से ही चला आया है, परंपरागत रहा है। जनपद मानपुरी में एसएन सिंह फिजियोथेरेपी क्लिनिक वेबर ने निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन किया, जिसमें कानपुर से आए नेत्र विशेषज्ञों ने लगभग 98 मरीजों का परीक्षण किया। मोतियाबिंद से पीड़ित लगभग 90 मरीजों को भर्ती कर निःशुल्क ऑपरेशन के लिए द्वारिकाधीश ने चिकित्सक भेजा। कानपुर समाज सेवा समिति द्वारा निःशुल्क आंखों के कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में द्वारिकाधीश नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर अमित सिकरवार, दीपक यादव ने नेत्र रोग विशेषज्ञ ने लगभग 98 मरीजों का नेत्र स्वास्थ्य का परीक्षण किया। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 35 ओपीडी कर ली है, क्योंकि सर्दी का माहौल है, इस वजह से कम आ पा रहे हैं। और हम लोग कानपुर ऑपरेशन करते हैं और वहाँ से मरीज को फ्री ले जाएंगे, और फ्री ऑपरेशन करके रहना खाना दवाई चश्मा सब फ्री रहता हूँ। ये कैंप जो लगाया गया किसके द्वारा लगाया गया? ये हमारा श्री द्वारकाधीश नेत्र चिकित्सालय है कानपुर में।
उसकी तहत लगाए हुए हैं। ये कैंप किन किन शहरों में आपने लगाया, कितनी जगह पे ये लगा? हम लोग हमेशा हर जगह लगाते हैं। अभी फरदाबाद भी था, अब बेवर में है और अगला कैंप हमारा इधर पास में और कहीं भी होगा। कितने समय से ये कैंप चल रहा है? ये समथिंग 20 साल से पहले से चल रहा है। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और दूसरे मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। मौके पर चारों और मृत गाय, नील गाय और दूसरे जानवरों के हजारों शव मिले। वो स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। अपना फरीदाबाद गोरक्षा दल से हूँ और गायों की देखरेख करता हूँ मैं सुबह शाम। दरअसल आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। सिद्धार्थनगर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर पुलिस व एसएससी की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। त्रिलोकपुर पुलिस व एसएसवी की संयुक्त फोर्स के नेतृत्व में क्षेत्र के कई चौराहे पर गश्त किया गया। डॉक्टर यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर भारी संख्या में जवानों के साथ पुलिस ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन करते हुए फ्लैग मार्च किया। एरिया डोमिनेशन के दौरान उन स्थानों की प्रमुखता दी गई जहाँ पर हिस्ट्री शीटर या अराजक तत्व चिन्हित किए गए। खबर अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के ग्राम नवलपुर से है जहां पर 15 वर्ष के विकास कार्य न होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हर रोज शिकायतों के बावजूद भी आज तक गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। आलम यह है कि विकास में गांव में जल भराव की समस्या से पूरे गाँव जूझ रहा है। हर रोज गाँव के लोग चोटिल होते नजर आते हैं लेकिन फिर भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विकास कार्य नहीं हुआ पिछले 15 साल से गांव में कोई नहीं। तो ऐसे ही पड़ा हुआ है गांव हमेशा से ऐसे ही है 10-15 साल से। तो किसी के यहाँ आपने शिकायत की? सबके यहाँ कर ली जिससे भी कर सकते थे। आपने, मैंने सुना है पिछले वर्ष भी आपने वो किया था चुनाव बहिष्कार। बिल्कुल, वोटों का बहिष्कार किया था। उसके बाद CDO और BDO और कुछ उच्चाधिकारी आए थे, उनके कहने से फिर वोट डाले थे और आश्वासन दे के गए थे कि कुछ ही दिन में ठीक करा देंगे। एक दो बार लोग यहाँ आए भी, देखा भी, लेकिन सब जू का तू जैसे था वैसा का वैसा ही आज तक। तो क्या सर पूरे गांव में यही स्थिति बनी हुई है? यही स्थिति है। औरैया जिले की बिथुना की नवीन बस्ती स्थित SGS इंटर कॉलेज प्रबंधक गंधर्व सिंह और उनकी पत्नी की अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कूल में बने आवास की तीसरी मंजिल पर हत्या कर दी गई। वही हत्या की जानकारी तब हुई जब सुबह स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक स्कूल में आए और गेट न खुलने पर आवाज दी। जब गेट नहीं खुला तो आसपास वालों को सूचना दी गई। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटना का निरीक्षण किया। गंधर्व सिंह यादव जी और उनकी वाइफ कमला देवी जो यहाँ रहती हैं, इनको आवाज़ लगाया जा रहा और दूध के लिए इनको नीचे चाबी फेंकी थी तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई, जांच करी गई और पाया गया कि जो गंधर्वा सिंह यादव जी और इनकी जो वाइफ कमला देवी जी, ये मृत अवस्था में अपने कमरे में ऊपर पाए गए। मैं जो सामान फैला हुआ था उसको देख करके रखता कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है चोरी के प्रयास से घर में घुसा है और चोरी के प्रयास से घुसने के बाद उन्होंने घर में चोरी वगैरह करी है और जिसमें जो लोग ये लोग पहचान गए थे इसलिए शायद इनका गला घोट के इनको मार दिया गया। अभी तक प्रतीत हो रहा है कि जरूर कोई अंदर का व्यक्ति शामिल, जिस तरीके से घर की बनावट है इसमें अंदर का कोई व्यक्ति शामिल। हमारी विवेचना चल रही है, डेड बॉडी को हमने PM के लिए ले जाएंगे जिससे मौत का कारण स्पष्ट होगा और उसके बाद हम आपको क्लियर बता पाएंगे कि इनकी मौत किस वजह से हुई है।
जनपद मानपुरी में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस मुस्तैद है। इस कड़ी में मानपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और मुखबिर की सूचना पर दो अंतर राज्य गांजा तस्कर व एक कुंटल 66 किलोग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किए गए। बता दें कि मानपुरी बॉर्डर पर किशनी पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर खड़सरिया बॉर्डर पहुंची। सघन चेकिंग के दौरान ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में चार बोरिए में करीब 5-5 किलोग्राम के पैकेट मिले। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि गांजा हम उड़ीसा लेकर जा रहे थे। थाना किसनी का है। आज थाना किसनी पुलिस और सर्विलांस टीम को एक जो है ट्रक में जिसमें कांच का स्क्रैप लदा हुआ था और इसी में नीचे गांजा रखा हुआ था, इसके बारे में मुखबिर और सर्विलांस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा इसको जब ट्रेस किया गया तो ये ट्रक संख्या जो है UP 75 BT 2681 ये पकड़ा गया। इसकी तलाशी ली गई तो इसमें लगभग चार बोरियों में 5-5 किलोग्राम के लगभग 32 पैकेट तलाशी मिले। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेज। चंदौली जनपद से है जहां पर मछली के विवाद में युवक को एक युवक ने चाकू मार दिया, जिससे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सकल डीहा के इटावा गांव का रहने वाला रमेश सोनकर की मछली की दुकान है। दुकान पर रमेश सोनकर का 17 वर्षीय पुत्र सोनू मछली बेच रहा था, तभी मछली की दुकान वालों ने आकर मछली बेचने के किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फिर कुछ युवक ने सोनू सोनकर को चाकू मार दिया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़का का छुरा मार दिया हमारे। छुरा मार दिया? कौन मार दिया? बंटी और टाइगर। किस बात पर? मछली की विवाद में। मछली वाला वो हमको 20 किलो देता है तो दो चार दिन में लगला 2-4-5 किलो देव मन कर लीजिए मछली वाले तुमसे ना लूंगा। हाँ। तो वो अपन ना दिलस ओके मन के फिर बोला के दिलस 20 किलो मछली तो आई के लगा गाड़ी देव छुरा निकाल के धमकावा मार दिलस लड़का को। अच्छा, छुरा लगा है बेटे को आपके पेट में। तो इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दिया? हाँ, जब अफेयर हुआ है वहाँ। अच्छा, लड़का थाने पर आया, वहाँ से अस्पताल में गया। पेशेंट स्टेबल है, उसको जो है डीप पेनिट्रेटेड स्टैब वुंड हुआ था जी, जिसकी वजह से उसके पीछे जो है बैक साइड में स्पाइन के ऊपर शार्प कटिंग वेपन से इंजरी हुआ है, लेकिन पेशेंट स्टेबल है और उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेचर लगा के और इलाज किए। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग सख्त निर्देश दे रखे हैं। उसी कड़ी में सहारनपुर जनपद के एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। सहारनपुर की थाना कुतुब शेर पुलिस ने विधानसभा चुनाव में सप्लाई किए जाने वाले अवैध हथियारों को तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हथियार फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने अधबने अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही अवैध हथियार बनाने वाले दो टॉप 10 अपराधियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त फरार है। थाना कुतुब शेर पुलिस ने एक बड़े देसी असले बनाने वाली फैक्ट्री की बरामदगी की है। दो हिस्ट्री सीटर बदमाश पकड़े हैं जो असले बना रहे थे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है थाना कुतुब शेर क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में, वहाँ पे असला फैक्ट्री चला रहे थे। भारी मात्रा में बने हुए असले मिले हैं, अगर देखेंगे तो 15 असले बने हुए हैं, तैयार हैं एकदम। काफ़ी भारी मात्रा में अधबने असले हैं, सामान मिला हुआ है, उपकरण मिला है। अगर इन सामानों को देख ले तो इससे 50-60 असले और अभी तैयार किए जा सकते थे। ये इसमें जो तीन अभियुक्त रहे हैं, तीनों थाना कुतुब शेर के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। सभी पे दो 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 दर्जन, तीन तीन दर्जन के लगभग मुकदमे कायम हैं। एक इसमें से अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, फरार हो गया है। जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं और इनसे अभी पूछताछ हमारी जारी है। इन्होंने अभी तक असलहों की खेप कहां कहां दी है, किसको किसको दी है, उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं। इन्होंने आसपास के शहरों में भी सप्लाई की है, इनसे हम अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उनका भी पूरा चेन बना रहे हैं। उनको भी हम जल्दी ही राउंड अप करेंगे
तो ये चूंकि इस समय हमारा अभियान चल रहा है और इन सब चीज़ों पे के अपराधों पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी पकड़े जाएं ताकि चुनाव सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किया है। अब कैंट पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस लाइन को व्हाइट हाउस में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शांति अभियुक्त इंजीनियर आलोक क्षेत्र से 22 लाख रुपए की लूट में शामिल था। इसके बाद इसने गगहा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या पैसों के लिए कर दी थी। देखिए, एक इनामी अपराधी पकड़ा गया है, कैंट इंस्पेक्टर की टीम ने पकड़ा है इसको। इस पर डकैती के और हत्या के आरोप हैं। ये वांछित चल रहा था, गगहा से वांछित चल रहा था और वहाँ पे जनवरी 2021 में जनरल शाह उस गुड्डू की हत्या के मामले में वांछित था। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेज 2020 में 22 लाख रुपए की जो घटना हुई थी, लूट की घटना, उसमें भी ये वांछित था। इसको, इसका नाम है विभेश कुमार दुबे और इसको महदीपुर रोड बी पार्क से 18/1/2022 को रात 9:20 पर गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कोई बरामद हो पाया है? देखिए, इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं और मुकदमा अपराध संख्या 45/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट इस पर लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, 1305/20 है कैंट थाने का और 14/21 गगहा थाने का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और 45/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी इसका। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।